रेडी पटरी रिक्शे कूलर वाले, जो लॉकडाउन की जैसे होटल वोटलों में कभी खाना मिल नहीं पा रहा, कहीं से कुछ हो नहीं पा रहा, कम है नहीं, ये वो लोग हैं जिनका कुछ है ही नहीं, घर बार है ही नहीं। कोविड से तो बाद में मरेगा, वो तो भूख के पैसे पहले मर जाएगा। किसी का बीमारी है, कुछ दवाओ है, वो चीज उनको काफी दिक्कतें हो जाती है, जो है ही नहीं। उनके पास बीवी बच्चे किसी के अगर है तो वो भूखे प्यासे मर रहे हैं, वो दिक्कतें हैं, मुश्किलें हैं सबको। अगर ये खाना ना मिलता तो शायद इतने लोगों में से भी 70% तो खत्म ही हो गए होते, खाने की वजह से थोड़ा बहुत जीवित भी है सब लोग। दिक्कतें हैं, काम नहीं है, ये यहाँ आते हैं शेल्टर में, इनको शेल्टर में खाना खिलाते हैं, ना हम बाहर भी लेके जाते हैं गाड़ियों में इनको खिलाने के लिए। और हम लोग भी कहीं और शेल्टर उसमें किचन में बनवाते हैं तो इनको देते हैं, उसमें तो 24 घंटे बनता ही रहता है खाना। और कुछ ऐसा है जब ज्यादा ही कम हो जाता है तो फिर खुद भी बना लेते हैं यहाँ पे। मैं आगरा से जाने वाला हूँ, अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ, रैन बसेरा से। मैं मेरा अपना काम है कनॉट प्लेस में, अभी कोई काम नहीं हो रहा है क्योंकि मार्केट सब बंद है, जिसकी वजह से हमें खाने की बड़ी मुश्किल है। कोई ग्राहक नहीं आ रहा कनॉट प्लेस में, सब बाहर के लोग आते थे, मुंबई के, दिल्ली के, लुधियाना के, अब कोई नहीं आता है। यहाँ पर लोगों को मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम खाना मिलता है, सुबह शाम, और जितना हो सकता है उतनी इनको सुविधा देने की कोशिश करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से। और बाहर के लोग हैं जो होमलेस लोग हैं, जो बाहर पटरी पर सोते हैं, उनके लिए भी खाने की व्यवस्था कराई जाती है। यहाँ के लोग तो खाते हैं, बाहर के लोगों के लिए भी व्यवस्था कराई जाती है कि जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम अधिक से अधिक खाना मंगवाने की कोशिश करते हैं और उन लोगों को खाना प्रोवाइड करवाते हैं। परेशानी हुई थी, मैं हॉस्पिटलाइज थी ऑपरेशन के लिए, ट्यूब बच्चेदानी का ऑपरेशन, उससे फिर यहाँ पहुँच गई, यहाँ रैन बसेरे में रहने लगी। उसके बाद मैंने काम पकड़ लिया, जो खाने पीने को यहाँ से ले जाती हूँ, काम में सफाई का करती हूँ, लेट्रिन वगैरह। ऐसा अभी तक यहाँ ना कोई हमें सुविधा मिली है और ना ही कोई टेस्टिंग किया वो कुछ हुआ था, लेकिन हाल फिलहाल में आरटीपीसीआर टेस्टिंग जो है 300 लोगों की हम लोगों ने करवाई थी, 300-400 लोगों की, तो वो टेस्टिंग अभी फिलहाल में करी थी, बाकी ऐसा अभी कुछ नहीं है। और चीजें वैक्सीन के चक्कर में रहेंगे तो जो अभी हमारे को सामने दिखता कि आदमी बिल्कुल मर ही रहा है, मान लो कि हम ये देखें कि हमें कोविड होने के ज्यादा चांस है, अगर कोई बंदा भूखे प्यासे मर रहा हो सामने तो हम अपने कोविड को देख के चुप नहीं रह सकते, क्योंकि कब वैक्सीन लगी, किसको न लगी, किसने देखा, तब तक वो बंदा वैसे मरे, किसी ने कुछ नहीं किया। लोग तो भूखे प्यासे मर रहे, 1 साल पहले लोग भूखे प्यासे मर रहे, अभी भी, तो क्या हमें इसमें नतीजा मिला क्या? जीरो।